रेस्ट्रिक्शंस आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, इसके अलावा खाना समय पर नहीं दिया रहा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुंचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमेट शुगर से इफेक्टेड हैं, किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। सो फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज, बट इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, आई डोंट एंटर इनटू दैट। सर, इसके अलावा एक लेटर भी उन्होंने सुपरिटेंडेंट को लिखा, उसमें क्या कुछ बातें हैं? आप प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती, तो उनको उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमेट, जुडिशियल कस्टडी है इसलिए ज़रूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ़ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ़ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नल के उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शंस भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। तो ग्रीवेंस है वो लिखना है, उसकी एक प्रक्रिया, उसमें व्हील प्रोसेस, उसमें ऐसा क्या बात है?